जानी माता जी, क्या हाल चाल है आपके? करम बादशाह माता जी। फैसलाबाद की सबसे ऊंची बिल्डिंग के नीचे मैं इसी तरह से आपको दिखा सकता हूँ। शाह तवीज़ा अली तो नहीं है? नहीं। अच्छा चलो, ये बड़ा अच्छा काम किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग निकल रहे हैं, हमारे एक बहुत ही पुराने दोस्त, थोड़ा सा पुराना रिश्ता है हमारा उनसे, तकरीबन कोई 20-22 साल का, उन्होंने अपना एक नया ऑफिस बनाया है, उनका ऑफिस आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि वो इस नए ऑफिस में क्या कुछ कर रहे हैं। बाकी आप लोग देखें जी, गली में बच्चे खेल रहे हैं और हम अपने काम की तरफ रवाना दवा। रास्ते में आते हुए ना ये एक चीज़ देखिए, मैं आपको भी आपके साथ भी शेयर कर दूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद ये फैसलाबाद का मशहूर व मरूफ झाल चौक है, तो यहाँ से पथारे और जो तजावजात हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। तो अच्छी बात है कि अहकाम के बाद जो है ये ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन बेहतर ये होता कि इससे पहले ही ये सब लोग खुद ब खुद ये सब कुछ कर देते, सब के सब जो है वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए ये पथारे या ये जो अपनी हद से तजावज़ किए हुए थे ये गिरा रहे हैं। मलंग चाचा जो है वो हमें मिले हैं यहाँ पे, और या अली मदद। या अली मदद, क्या हाल चाल है आपके? करम बादशाह माता जी। खैरियत से हैं? करम शहनशाह माता जी। सब ठीक से गुजर रहा है? अच्छा हो रहा है सब? चले माशाल्लाह जी। ये मलंग चाचा हैं, ये जाल पे अक्सर होते हैं या फिर ये GTS चौक में हमें मिलते हैं, इनसे रोज़ दुआ सलाम हो जाती है और खैर खैरियत इनकी दरियाफ्त हम लोग कर लेते हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद की सबसे ऊंची बिल्डिंग के नीचे, मैं इसी तरह से आपको दिखा सकता हूं, और यहां हमारे मौजूद होने की वजह ये है कि हमने जमशेद भाई को किया कॉल, जो हमारे आज के मेज़बान हैं, और वो कहीं आते ही होंगे, और फिर आते हैं तो फिर उनका ऑफिस आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों की कमी है, क्या क्या कुछ और मज़ीद होना था। जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, मेरा दोस्त, मेरा भाई जमशेद अयूब। और जमशेद भाई का तारुफ इतना है कि मेरा और उनका सिर्फ थोड़ा सा ताल्लुक है, कोई 20-22 साल का, और ये एक छोटा सा इनका तारुफ है। बाकी अंदर चल के जमशेद भाई बातें चाहते होती हैं क्या? बिल्कुल। अभी तो मेरे ख्याल में बिल्डिंग भी ये नई बन रही है। हाँ जी, अभी शुरू हुआ है काम। अच्छा, इंशाल्लाह चलें बनाएंगे भी और लोगों को दिखाएंगे भी चलें। माशाल्लाह जी, जमशेद भाई का ऑफिस, और हम ऑफिस के बिल्कुल दरवाजे पे हैं। आए जी, आपको दिखाते हैं अंदर से। माशाल्लाह, जबरदस्त, वाह क्या कहने। जमशेद भाई को हमने ज़रा भेज दिया था अपनी जगह पे ही। भजन की हाल चाल ने? अल्हम्दुलिल्लाह। एक की गाले, रोज़ तुहानू नवें दफ्तर ही वेखी दा। शहर दे हुण ते माशाल्लाह मसरूफ तरीन जगह ते आ गए हो। हां जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ते की बना के देण लगे हो लोकां नूं? ਇਹ ਨਾ ਸਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਚੌਕ ਘੰਟਾ ਘਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਦ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਲਈਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਤੇ ਚਨੌਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ 18 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦਾਊਦ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਟੋਟਲੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਜਨ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਨਵੀਲ ਅਹਿਮਦ। ਨਵੀਲ ਭਾਈ, ਨਵੀਲ ਭਾਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ। ਚਾਹ ਤਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ। अच्छा जमशेद साहब, मतलब पींदे ने लोग तवीज़ वाली चाह भी, लेकिन पता नहीं अपना टेस्ट ही नहीं डेवलप हो सके। अच्छा जी। हाँ, मतलब शुरू तो हुण वही चलदी ऑफिसेज दे विच, बस वो मजबूरी बन गई है। अच्छा। साडा तो घोड़े वालिया दे नाल वाह है, उधर चक्कर ही कोई नहीं। अच्छा। चाय हमने पी ली है, अब हम ना जमशेद साहब से ये जो फैसलाबाद की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है इससे मुतालिक हम जमशेद साहब से पूछे। जमशेद साहब, ये कितने अरसे में बन जाएगी ये बिल्डिंग? ये इंशाल्लाह 3 साल का टाइम है इसका, 3 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे हम 18 फ्लोर्स। स्टेट लाइफ बिल्डिंग के 16 फ्लोर्स हैं।
सामने चीज प्रेजेंट किदा कर दी खान पीन आली कोई भी शय जिहड़ी है ना उहनूं प्रेजेंट किदा कर लॉजिक गल है कि अगली चाह हो गई फेल ते चाय आ गई है दोबारा और इस चाय के बारे में देखते हैं कि जी कि ये कितने मार्क्स ले पाती है। चेक करें जी इस चाय को। पचहत्तर नंबर हैं इस चाय के। इस तो बाद एक और कप लगाना पड़ेगा। लो जी टाइम आ गया जमशेद साहब नूं खुदा हाफिज़ आखण दा और ब्लॉग तो भी मेरे ख्याल से खुदा हाफिज़ जी तुहानूं आख्या जावे क्योंकि उन्हें इस तो बाद कोई ऐसे जैसी एक्टिविटी नहीं मैं घर ही जाना है। और जमशेद साहब घोड़िया वाले सेल परचेज का जो होंगे ही है ना गल तो असं उन्होंने एंड से पुछते होंगे सगीर अब्बास खास तौर पर बई जे कोई साढ़े रेफरेंस नाल आ जाए उन्होंने घोड़ा रैत नाल दे छड़सो जे कोई साढ़े रेफरेंस नाल आ जाता कोई दुकान लमण वास्ते कोई हिसाब किताब कोई रैत कर सो जिदा तुम दो कप चाह के पिलाए उन्होंने भी दो पिलावे लो जी जमशेद साहब का नंबर भी मैं छड़न लग्या तो नंबर भी उन्होंने लिख लो दो हाइट से अगर प्लाट शलाट कोई प्लाट कह रहे दुकान लैनी मजे की गल दसा हाँ जी मजे की गल ये है कि शहर ना किसी भी जगह तो इन्वेस्टमेंट करते हो या शॉपिंग आते हो तो पार्किंग का इशू बहुत ज्यादा दाऊद हाइट्स के पार्किंग का इशू नहीं है थले दो बेसमेंट मुकम्मल तौर पर पार्किंग लिए पिछे सरकारी पार्किंग भी है देखो जी 5000 गड्डी आराम नाल इस जगह पर खड़ी कर सकते हो जिन्हें इतने इन्वेस्टमेंट करनी है या जिन्हें शॉपिंग इस लोकेशन पर आना है उन्होंने पार्किंग का इशू पार्किंग का मसला नहीं पूरे शहर में पार्किंग का मसला है बिल्कुल इस तरह ही है लो जी सानू आज दे इस व्लॉग की इजाजत दियो मैनू जमशेद अयूब साहब नू ते फिर मिलने हैं कल किसी नवी गल नाल किसी नवी कहानी नाल उदों तक रब रख बहुत शुक्रिया।